देखिए साठगांठ भारतीय जनता पार्टी ने करके भारतीय जनता पार्टी सिद्धांत और नीति के आधार पर चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में बहुत अच्छा शासन है। माननीय मोदी जी ने जो कहा सो किया, किसान की आय दोगुनी हो, आज जीडीपी बढ़ी है, आज भ्रष्टाचार में कमी हुई है, गरीब आदमी का सम्मान बढ़ा है और योगी सरकार भी मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने उस अनुरूप काम कर रही है। गठबंधन जहां आपने इशारा किया है, सपा बसपा ये गठबंधन करेंगे, किंतु इनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बसपा का तो लोकसभा में कुछ है ही नहीं, समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत है, तो इनकी मजबूरी है गठबंधन करने का। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, परिवारवाद से पार्टी की परिवार से जनता उठा चुकी है। परिवारवाद की राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, अब राष्ट्रवाद की राजनीति चलेगी, समाजवाद की राजनीति चलेगी। इसलिए आगे आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे और पुरजोर समर्थन के साथ हम 75 लोकसभा सीटों पर ओम प्रकाश राजभर का संज्ञान ले लिया गया है। वैसे कैबिनेट मंत्री का शासन में जो मंत्री है उसकी व्यक्तिगत राय नहीं हुआ, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिव हुआ होती है, तो व्यक्तिगत तो राय नहीं दे सकते, इसका संज्ञान ले, मैसेज गलत जा रहा है ना उससे, इसका संज्ञान ले लिया। बदायूं जनपद बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील जनपद, बदायूं के कुछ गांव बाढ़ से प्रभावित, आज मैं प्रशासन को लेकर देखने भी जाऊंगा। योगी सरकार बाढ़ के लिए बहुत चिंतित है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 मई की एक बैठक कर ली थी, 40 जिले बाढ़ से प्रभावित, 40 जिलों में अपना बनाई हुई सभी जिलाधिकारियों को बुलाकर निर्देशित कर दिया गया था कि बाढ़ से इस बार ना जनहानि होने दी जाए और ना धनहानि होने दी जाए। सभी जिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया और बदायूं में आज दौरे पे जा रहे हैं, एक चट्टा गांव जो है बाढ़ से घिरा हुआ है, रामगंगा और गंगा दोनों से। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार बाढ़ के लिए 80 करोड़ रुपए रिलीज किया, इस बार चौगुना धन रिलीज कर दिया है। प्रावधान तो 1104 करोड़ का है, 385 करोड़ रुपया रिलीज किया जा चुका है। तो बाढ़ से न जनहानि होगी न धनहानि होगी, सरकार का पूरा प्रबंध किया गया है, सिंचाई विभाग इसके लिए निगरानी रख रहा है। अभी तक क्योंकि बरसात इस बार चौगुनी हुई है, मानसून बहुत अच्छा है, अभी तक कोई तटबंध नहीं कटा है और कहीं किसी तरीके की हानि नहीं हुई है। और आज हम चाहेंगे आप लोग भी जरा बाढ़ के भ्रमण में चले तो अच्छा है। अतिक्रमण अभी हटेगा, अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, इसमें एसपीपी सदस्य है, एसएसपी सदस्य है और सिंचाई विभाग के अधिकारी। आज आपने ये प्रश्न खड़ा किया है, जिलाधिकारी से बात करके जहाँ पर अतिक्रमण है और जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कड़ाई से उसको निपटारा करने की बात करें। प्रश्न सलीके का है, सलीके का इसलिए है कि मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। रमैती सा रामा, जो सब में रमण करता है वो राम है, हमारा मुद्दा नहीं है। मंदिर हमारी आस्था का मिट्टी है, अयोध्या में राम का मंदिर है और रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता, बनेगा। धन्यवाद।